पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है। शैलो फॉग क्योंझर में ऑब्जर्व की गई है, जहाँ पर विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई है। लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर राउरकेला का 15.4 सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद हिल स्टेशन में जो जी बेगिरी जो कि एएमएफ स्टेशन है वहाँ 13.4 सेल्सियस दर्ज किए गए। भुवनेश्वर में 21.9 सेल्सियस और कटक में 20.2 सेल्सियस लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मिनिमम टेम्परेचर के बाद दारिंगबाड़ी में 15 सेल्सियस, राउरकेला में 15.4, झारसुगुड़ा 15.9 और क्योंझर में 16 सेल्सियस मिनिमम तापमान दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें 24 आवर चेंज की तो राउरकेला में सबसे अधिक जो नेगेटिव में गया पारा नीचे गिरा 2.7 सेल्सियस से, संबलपुर में 1.4 सेल्सियस पारा कम में गिर जाए और थलचर में 1.2 सेल्सियस तापमान जो कम में कल गिर जाए। भुवनेश्वर में 0.3 सेल्सियस प्लस में, कटक में -0.3 सेल्सियस जो है 24 चेंज देखा गया है। उसके सामान्य से तापमान कितने ऊपर या नीचे है, उसमें अनुगुल और झारसुगुड़ा में 1.2 सेल्सियस नीचे चल रहा है तापमान अभी भी, और सुंदरगढ़ में +3.6, कोरापुट में 3 सेल्सियस, भुवनेश्वर में 2.5 सेल्सियस पॉजिटिव में, कटक में 1.5 सेल्सियस पॉजिटिव में डिपार्चर अभी भी चल रहे हैं। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। अगले 7 दिन तक यानी 20 तारीख तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है और 18 तारीख तक कोई भी वार्निंग नहीं है। अगर हम बात टेम्परेचर फोरकास्ट की तो अगले 24 घंटे में तापमान मैक्सिमम मिनिमम तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा। उसके बाद तापमान जो है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरेंगे उड़ीसा के अंदर।